गुजरात से हेतल, स्वागत है आपका। हाँ मैम, मुझे वैद्य जी से बात करनी है। जी करिए। जी आदाब, बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे खांसी का प्रॉब्लम है, अभी 2 दिन से हो रही है, तो मुझे खांसी का घरेलू नुस्खा चाहिए। जी 2 दिन से खांसी वाले तो कभी हमें बात नहीं करते, लेकिन आपका एहसान कि आपने हमें फ़ोन किया। आपके किचन में एक चीज़ पाई जाती है जिसको कहते हैं पीपलें। ये गरम मसालों की ज़ात की है, 1-1.5 इंच की लंबी बड़ी खूबसूरत सी फाइल है। पीपलें आप लिख लीजिए, पीपलें। अगर आपको नहीं पता तो आपके घर में किसी और को पता होगा। अब ये पीपल आधी तोड़िए दांत से और इसको मुंह में रखिए, थोड़ी देर घुमाते रहिए, चूसते रहिए, फिर ये नरम हो जाएगी। फिर इसे चबा के खा लें और एक गिलास गर्म पानी पी लें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 दिन की खांसी 2 दिन में भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर एमपी से हैं, राज तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरा छोटा वाला भाई है, उसकी तुम्हारे उसकी दाढ़ी मूछ नहीं उग रही। क्या एज है उनकी? 25। 25। तिवारी साहब, बच्चे को प्रोटीन की मात्रा दीजिए, प्रोटीन की, और एक अच्छा प्रोटीन अगर आप देना चाहें तो गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये ले लीजिए 100-200 ग्राम, और इसका पाउडर बनाइए। रॉ मटेरियल लेना है, आधा ग्राम पानी में डाल के रोज़ाना पिला दिया करिए। दूध में डालकर भी पिला सकते हैं। एक खुराक रोज़ाना कम से कम दीजिए और 6-7 महीने देंगे तो उनकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। कॉलर प्रेम लता आर्या भोपाल से, स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैंने ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरे ये पैर में है ना, मेरे पैर में झंझनी आती है और पूरा पैर तलुआ मेरा वो बहुत दर्द रहता है, और घुटने से लेके मतलब लेफ्ट वाला, और मुझे है ना था मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो वो दे सकते हैं क्या सर? बताते हैं गोंद सिया और गोंद मोरिंगा थायराइड के लिए। जी अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है और 15 दिन गुजर चुके हैं आपको ऑपरेशन को, तो आप ये ले सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया उससे ही लें। गौन मोरिंगा तो वो थायराइड के लिए लेते हैं, धनिया के साथ, मेथी और आंवले के साथ, और गौन सिया आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है। इसी तरकीब से लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। कॉलर महाराष्ट्र से महादेव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। ये मैम मुझे पिंपल है, पिंपल थोड़ा ज्यादा ही है तो नहीं देख रहे। थर्टी पिंपल्स हैं। आपकी एज क्या है? 31 है। थर्टी 31। पिंपल्स का अच्छा इलाज है कि पेट ठीक रखा जाए और खून की गर्मी को कम कर दिया जाए, पेट की और खून की गर्मी को कम कर दिया जाए। आप कोई ऐसा इलाज जानते हैं तो ले सकते हैं। मैं एक इलाज जानता हूँ जो बहुत अच्छा है, और वो ये है कि जैतून का रसायन आता है जो, जिसे हम नमक जैतून भी कहते हैं, जैतून का रसायन भी कहते हैं और एस्टेक जैतून भी कहते हैं। ये बड़ा अच्छा होता है। ये 100 ग्राम भी खरीद लें तो काफ़ी रहेगा। ये देखने में नमक जैसा लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। ये एक चुटकी में जितना आए एक गिलास पानी मिला के सुबह और ऐसे ही शाम को किसी भी वक्त ले सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद। आपके पिंपल्स तो बहुत जल्दी जाएंगे, और भी बहुत फ़ायदे होंगे। और इसको पूरा ख़त्म कर लेना ताकि फिर दोबारा से ये परेशानी ना हो सके। बस्ती से हैं शिल्पी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका।
मैम हमारी 5 साल की बेटी है, मतलब बाथरूम बहुत ज्यादा करती है, 10-15 मिनट में। ठीक है ठीक है जी। 5 साल की बेटी? जी 5 साल की बेटी। तो खुद बच्ची लग रही है। हाँ देखिए, इस वक्त बाथरूम ज़्यादा आता है, जब हमारे हवा में मॉइस्चर होता है तो बाथरूम ज़्यादा आता है। फिर भी अगर आप चिंतित हैं तो सौंफ का पानी निकाल लें रोज़ाना थोड़ा सा, और उस बच्ची को पिला दिया करें। बच्ची का बाथरूम आना ज़रूरत के मुताबिक हो सकता है। अगली कॉलर हैं राखी। स्वागत है राखी जी, कहाँ से बात कर रही हैं? नमस्ते मैम, मैं इलाहाबाद से बोल रही हूँ। जी नमस्कार, आपका प्रश्न क्या है? जी बाल बहुत झड़ रहे हैं। कब से? 1 साल से। आपकी एज क्या है? 24। ठीक है, आज तो कमाल ही हो गया। राखी सावंत जी, आज सब यंगस्टर फोन कर रहे हैं, उनको बालों की परेशानी है। पता नहीं सब तय करके बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आसान है इसका इलाज। देखिए बालों के लिए मैं भी यूज़ करता हूँ, ये बड़ा आदमी हूँ, और अगर आप ये कहें तो कि मैंने आज यूज़ किया तो मैं कहूँगा हाँ। एक नारियल पानी रोज लें, और उसमें एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखना सफ़ेद वाला लेना, गौन मोरिंगा सफ़ेद। ये रॉ मटेरियल ले लें 100-200 ग्राम, और इसको पाउडर बना के रख लें। एक नारियल पानी ख़रीदें और उसमें 0.5 ग्राम इसका पाउडर मिलाएं। ये बेहतरीन किस्म का होता है सफ़ेद वाला, सफ़ेद गौन मोरिंगा ही लीजिए, रोज़ एक बार पी लिया करें, आपके बाल ऐसे कि संभाले ना जाएं। और मेरे बाल अभी तक हैं और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, लोग इससे थोड़ी, मेरे जो यार दोस्त हैं वो जलन महसूस करते हैं कि उनको सब टकले हो गए, वो मेरी बात मानते नहीं। और अपना ख्याल रखिए इसी तरह, बालों का भी और हर चीज़ का। जिन मकानात की हम ख्याल नहीं रखते, वो मकान भी 25 साल में खंडर बन जाते हैं। इस जिस्म की इसी तरह आप हिफाजत करिए। कोई भी रोग हो तो यूनानी में उसका इलाज है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शाहीन अख्तर अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। जी हाँ जी बोलिए। वो मेरी मम्मी है 75 साल की, उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है। कितने सालों से? 75। कितने सालों से दिक्कत है ये? ये बहुत टाइम से है, बहुत इलाज कराया, उनको फायदा नहीं है, हेल्थ भी है उनकी। हाँ देखिए, मम्मी का ऐसी ख्याल रखिए, और ये यूनानी से ठीक हो सकता है, और मुद्दतों से आपने इलाज किए हैं तो कभी दर्द हो तो दर्द की दवा भी ले सकते हैं। मैं जो दवा बता रहा हूँ ये दर्द की नहीं है, ये मर्ज़ की है। 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होगा, तो थोड़ा सब्र ज़रूर करेंगी मम्मी अगर इतनी उम्र वाली हैं। इस उम्र के लोग बहुत साबिर होते हैं, तो सब्र के साथ कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह और शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर नहीं है दूध से भी दे सकते हैं, जैसा आपको आसान हो। ये सब चीज़ों से फ़ायदा करती है, लेकिन 5 से 10 दिन आप मुझसे कुछ ना कहें, और फिर 5 से 10 दिन में राहत होने लगती है। 1 महीने में आप मुतमईन हो जाते हैं, और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने वालदा साहिबा को दवा ज़रूर देना, ताकि बाकी उनकी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजर सके। के साथ कुछ और कॉलर्स। रविंदर हैं आगरा से, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, रविंदर बात कर रहा हूँ मैं आगरा से। हाँ जी मैम, मेरे को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। जी तो कोई दवाइयाँ ले रहे हैं आप? हाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा करती है, जो अंग्रेजी दवाई होती है ना। आपकी एज कितनी है? एज मेरी 24 ईयर। 24 जी।
हाँ देखिए, ये तो अच्छा है कि आप आगरा में हैं और अपनी फिक्र करते हैं। अपनी फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा एक बात बताऊँ आपको, बहुत ज़रूरी बात, जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक घंटा पैदल चलने से भी हमारा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है, डिप्रेशन ख़त्म होता है। अच्छा, एक ये कि हम अगर हमने ज़्यादा ख्वाहिशें बढ़ा ली हों तो ख्वाहिशों को भी लगाम देने से भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। हम पर हमारे पैदा करने वाले भगवान के इतने एहसान हैं, हमें इतना कीमती बनाया है कि हम उसके किसी एहसान का भी शुक्र अदा नहीं कर पाते। मिसाल तौर पर हमारे आँखें दी हैं और मेरा एक आँख से काम चल सकता है लेकिन मुझे दो आँखें दी हैं, ऐसे ही एक हाथ से काम चल सकता है लेकिन दो हाथ दिए हैं। इतना सब कुछ दिया है और ये इतना कीमती है कि अगर मेरी एक आँख कोई मांगे 10 करोड़ में तो मैं मना कर दूँगा। एक आँख की कीमत इतनी है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए खूब। अगर हम कहीं नाशुक्री कर रहे हैं तो उससे भी डिप्रेशन होता है। जो है उस पर खूब शुक्र करिए, फिर भगवान खुश हो जाता है। एक तो ये, ज़िंदगी जो है तकलीफ़ उठाने का नाम है, याद रखें ये। जो जिस हाल में है, रईस है गरीब है, वो तकलीफ़ उठा रहा है, कोई औलाद की, कोई बीवी की, कोई माँ की, कोई बच्चे की, लेकिन हर शख्स तकलीफ़ में है। लोग पैसे वाला आदमी देख के सोचते हैं इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन पैसे वाले का भी परिवार बहुत बड़ा होता है और वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाता है। तकलीफ़ उठाना सीखिए, तकलीफ़ से लड़ना सीखिए और जो भी हालात हैं उनसे मुकाबला सीखिए। और एक नुस्खा बता दूं, मैंने आपको बहुत बड़ी बात इसलिए कह दी कि मैं जवानों से ख़िताब करना चाहता था कि वो समझ लें, आज के लोग बच्चे जानते नहीं कि कितनी जद्दोजहद थी ज़िंदगी में जो आपके लिए बहुत आसानी के रूप में आई है। देखिए, छोटी हड़ 100 ग्राम, इसको भून लें बादाम के या कैस्टर ऑयल के ऑयल में भून लें, तभी इसको पाउडर बनाएं। 100 ग्राम छोटी हर, 300 ग्राम धनिया और 200 ग्राम आंवला और इसमें 30 या 40 ग्राम छोटी इलायची और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा सफ़ेद, इन सब का पाउडर बना के एक चम्मच खाली पेट यानी निहार मुंह पानी से खाया करें, सादे से। ये एक ही खुराक काफ़ी है और ज़रूरत पड़े तो एक खुराक रात को भी ले सकते हैं सोते समय, आपका दिमाग को सुकून देगा बहुत। इसको, इस पाउडर को भी खा सकते हैं और इसको, इसमें शक्कर भी मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं, जिस तरह आपको आसान हो खाइए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। राजस्थान से अगले कॉलर जगदीश पुरोहित जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, हकीम साहब बिराज रहे हैं? जी आदाब पुरोहित जी। आदाब आदाब हकीम साहब आदाब। जी जी फरमाइए पुरोहित साहब। सर मेरे मिसेज को घुटने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और शुगर भी है। ठीक है, एज कितनी है? एज तो है 67। ठीक है, अच्छा देखिए, चाहें तो एक एक करके इलाज करें या अलग अलग भी एक साथ भी कर सकते हैं। गोंद स्याह एक काले गोंद का नाम है जो ज़रा मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है, तो असली लेना, कड़वा बहुत होता है, बहुत ही कड़वा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी। ये अगर 100 ग्राम भी असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी के साथ या बग़ैर चर्बी के दूध के साथ आप उन्हें दिया करें और 5-10 दिन सब्र करें, थोड़ा 5 या 10 दिन में फ़ायदा शुरू होता है। और किसी किसी को ज़रा सा दर्द बढ़ के फिर कम होता है, क्योंकि ये दर्द की दवा नहीं है, तो इत्मीनान रखें। ये 100 ग्राम भी आपको मिल गया तो ये ख़त्म होने से पहले उनका रोग मुक्त होना मुमकिन है। आपके घर में अगर ये वेस्टर्न टॉयलेट ना हो तो वो ज़रूर लगवा लें, ऐसे मरीजों के लिए चाहिए, नहीं तो बार बार वो मर्ज हो जाता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट है तो फिर नहीं होता, और अगर ज़रूरी समझें तो
जैतून का सिरका आता है, रात को 3 चम्मच पानी में मिलाकर 1 गिलास छोटे चाय के चम्मच मैडम को पिलाया करें, आप देखेंगे कि उनकी डायबिटीज़ भी स्थिर रहने लग सकती है।